miss you. I never make promises, 'cause I don't keep them. I already miss you. हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर यादव और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। आज हम खड़े हैं हीरो के एक ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट के सामने। आपने हीरो की बाइक्स देखी होंगी, गाड़ी, तो अब मैं आपको दिखाता हूं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आपकी बाइक से कहीं ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होने वाला है। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलेगा आपको LED का पूरा कम्प्लीट सेटअप, साथ में हैलोजन लाइट दी हुई है। और अगर आप फ्रंट से बात करते हो इसके डिज़ाइन की, तो बिल्कुल प्रीमियम एंड सिंपल डिज़ाइन जो होते हैं ना आजकल मार्केट में, वो ही चल रहे हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे लिथियम पावर्ड की बैजिंग दी हुई है और साइड में आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि कंप्लीट हैलोजन होने वाले हैं। और इधर अगर आप बात करते हो फ्रंट टायर की तरफ में, तो इसमें आपको मिलेगा 1990x12 12 इंची का अलॉय व्हील आपको मिलने वाला है। यार काफ़ी बड़ा अलॉय दे रखा है। और यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक की बैजिंग दी हुई है, कॉन्टी के टायर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने मार्केट में और वीडियोज़ देखी होंगी और स्कूटर देखे होंगे, तो उनमें 10 इंची का टायर आता है जो कि उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये 12 इंची के आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ में एल्यूमिनियम के आपको 5 स्पोक के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक की आपको बैजिंग मिलेगी और इसमें ये है ऑप्टिमा CX ER। इसमें आपको ड्यूल बैटरी का फंक्शन आपको मिलता है, ड्यूल बैटरी सेटअप आपको दिया गया है। बैटरी में आगे आपको दिखाते हैं उसके कंप्लीट डिटेल्स के साथ, तभी चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिसेंट सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर है दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी बैटरी के परसेंटेज है कि कितना आपकी बैटरी चार्ज है और कितनी आपकी पावर बची हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किलोमीटर्स आपको दिखाए हुए हैं एंड यहाँ पे आपके लाइटिंग के स्विच दिए हुए हैं। आगे अगर आप लाइटिंग ऑन करते हो तो कम्प्लीटली LED साथ में हैलोजन का सेटअप आपको दिख जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक फ़ोन चार्जर ताकि आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सको, और मोबाइल रखने की रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छी दी हुई है। काफ़ी बड़ा डिसेंट सा आपको स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। और एक चीज़ देखना कि इसमें ना पूरा कवर किया हुआ है स्पेस को, आप इजीली अपने बड़े से बड़ा सामान को कैरी कर सकते हो। यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, टोइंग हुक दिया हुआ है। अभी बात कर लेते हैं इसके कीज़ की, तो कुछ सिंपल इस तरीके की की है और इसमें रिमोट कंट्रोल सारी एक्टिविटीज़ है, लॉक अनलॉक एंड पावर और थेफ्ट अलार्म का इसमें फंक्शन दिया हुआ है। अभी हम जैसे प्रेस करते हैं तो इसमें सायरन की आवाज़ आती है। चलिए, इस साइड आपको लाइट्स के अप या डाउन करने का लेवल का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हॉर्न के सिंबल कंट्रोल मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको बटन मिलेगा R फॉर रिवर्स। जैसे ही आप R प्रेस करते हो आपका डिजिटल क्लस्टर में R ब्लिंक करने लग जाता है, तो आप इसको अगर रिवर्स में ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है CW। यार ये देख रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो बाकी किसी स्कूटी में आपको नहीं मिलेगा देखने को। ये है क्रूज़ कंट्रोल। अगर आपने किसी भी स्पीड पे अपने स्कूटी को लिमिट करना है और अगर आप नहीं चाहते कि लंबे टाइम तक आप उसको हैंडल को पकड़ के रखें, तो आप CW यानी कि इस बटन को प्रेस कीजिए और आपकी स्कूटी एक फिक्स स्पीड पे क्रूज़ हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा फंक्शन है यार, स्कूटी में क्रूज़ कंट्रोल आने लग रहा है भाई आज की तारीख में। तो हीरो वालों ने कुछ अलग ही मज़े बना दिए। आप पीछे से देख सकते हो इसकी ऑप्टिमा CX ER की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पर आपका फुट स्टेप दिया हुआ है जो कि जिसपे रबर लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा है कि अगर आप पैर भी रखते हैं तो स्लिप ना हो। आगे का जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी डिसेंट है एंड यहाँ पे आपको कम्प्लीटली हैंडल मिलता है जो कि रिजिड प्लास्टिक का है। अगर आप अपना वेट कैरी करते हो साथ में, जो कि इसकी लोड कैपेसिटी है 150 kg से 200 kg तक की, तो आप इजीली इस पर क्रू ले जा सकते हैं टो करके। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं, पीछे का जो टायर है वो सेम कॉन्टी जिप का यानी कि मेट्रो टायर है और ये इसके टायर प्रोफाइल है 1990x12 सेम 12 इंची का आपको टायर मिलता है कॉन्टिनेंटल का। यार जो टायर की क्वालिटी हीरो में है ना,
वो किसी अदर ब्रांड में नहीं है। ये श्योर है कि जो टायर हीरो को हीरो इलेक्ट्रिक दे रहा है वो कोई और इलेक्ट्रिक नहीं दे रहा है। पीछे आपको मिल जाएगा स्प्रिंग सस्पेंशन एंड सेम इस साइड में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे नीचे बैटरी की हाउसिंग दी हुई है और यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है। मेटल का जो काम है जितना भी वो हार्ड मेटल में किया हुआ है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई है। और सेम यहाँ पे स्कूटी की तरह आपको बैटरी का कंपार्टमेंट खोलने को मिलेगा। देखिए आपको की लगानी है एंड प्रेस करना है। तो अभी हम चलते हैं बैटरी कंपार्टमेंट में। यहाँ पे है B1 एंड B2, बैटरी 1 एंड बैटरी 2 पे जो स्विच करना है। अगर आपको B1 लगा रखा है तो आप B1 से करंट लेंगे और अगर आपने B2 प्रेस किया तो आपकी बैटरी 2 लग जाएगी, क्योंकि इसमें ड्यूल बैटरी का फंक्शन है। ये इसका कुछ चार्जर आपको मिलने वाला है, हीरो इलेक्ट्रिक का चार्जर है, ठीक है। इस पर कंप्लीट चीज़ें लिखी हुई हैं, 25%, 50%, 75% एंड 100% पे इस पर मार्किंग की हुई है। और जो बैटरी की चार्जर की स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें वही इसमें 6 एम्पियर का चार्जर आपको मिल जाएगा 48 वोट का। एंड जो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है वो 3.5 से 4 घंटे या 3 से 4 घंटे मान सकते हो, 3 से 4 घंटे में कम्प्लीटली आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे बैटरी की हाउसिंग है और ये दूसरा चार्जर। आपको अगर दो बैटरी दी हुई है ना तो दो ही चार्जर मिलेंगे आपको। ये नहीं कि आप एक ही बैटरी से चलाओ तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई चार्जर के मामलों में, ठीक है। यहाँ पे इसके बाकी एक कंपार्टमेंट है और एक बैटरी की रिप्लेसमेंट यहाँ पे है। ये देख रहे हो, ये B2 बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे है अपनी बैटरी 2 और ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे आपकी लगेगी बैटरी 1, अभी फ़िलहाल बैटरी है नहीं। तो ये दो चार्जर आपको मिलेंगे दोनों बैटरी को अलग से चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये नीचे हाइड हो जाता है जैसे कि मैंने दिखाया था, हाइड करने के बाद आपको पूरा स्पेस आपको मिल जाएगा। अब जब बात चल रही है बैटरी की तो थोड़ी सी बैटरी की स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं। इसमें हमें जो बैटरी मिलती है वो 48 वोल्ट की मिलेगी और 30Ah लिथियम की बैटरी आपको मिलने वाली है। और इसमें जो आपके मोटर है वो 650 वोल्ट की मोटर है और इसका जो हाई पीक है वो है 1200 वोल्ट पे। एक यहाँ पे आपको ये जो कंपार्टमेंट देख रहे हो ये एक सेफ्टी कंपार्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको MCB मिलेगी, अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो आप MCB अप या डाउन कर सकते हैं। और ये यहाँ पे इसका इनबिल्ट जो भी है मोटर की हेल्प करने के लिए कंपार्टमेंट है। बैटरी कंप्लीट चार्ज होने के बाद जो आपको रेंज मिलने वाली है वो 80 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है और इसमें मैक्सिमम जो स्पीड आप यूज़ कर सकते हैं वो है 45 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड आप ले सकते हैं। और ये है जो लिथियम बैटरी, इसमें ड्यूल बैटरी का कंसेप्ट इस वजह से है क्योंकि एक बैटरी से आप इसको चलाइए और दूसरी बैटरी को आप अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं। तो जब आपकी बैटरी डाउन होने लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या दोनों बैटरी को चार्ज करके एक साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी जो आपका डिस्टेंस कवर है ना वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो एक बैटरी में ये 180 किलोमीटर तक चल जाती है जब, क्योंकि इसमें ड्यूल बैटरी है तो जो इसकी रेंज निकल के आती है फाइनल वो 140 to 160 किलोमीटर के बीच में जो इसकी रेंज निकल के आती है, ठीक है। सेम दो चार्जर मिलेंगे आपको, वही दोनों बैटरियों का डिफरेंट 3.5 आवर्स की चार्जिंग टाइम है। और इसके अलावा इसमें 90 किलो का वेट है, ये जो बाइक है इसमें 90 के इसमें जो आपकी कैपेसिटी मिलेगी वेट टोइंग की वो 150 to 200 kg तक आप इसको ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसमें जो प्राइसिंग आपको होने वाला है 77,500, यानी आप इसको 78,000 रुपये में या 77,500 रुपये में आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं इस प्यारी सी हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक को। तो ये थी आज की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो को लेके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, इसमें RTO और इंश्योरेंस दोनों की नीड होगी जो कि एजेंसी वाले आपको प्रोवाइड करा के देंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाउसिंग बैटरी वन और बैटरी टू के लिए चार्जिंग की जो हाउसिंग दी हुई है, यहाँ पे आपको चार्जर के लिए सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं अपने मेन बैटरी से। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल।